Good morning, everyone. आप देख सकते हो मेरा अलार्म क्या है। गाने सुन के ही उठती हूँ मैं। आज मेरा स्केड्यूल बहुत ही हैक्टिक है। हैक्टिक नहीं है, बट आप सबको पता है कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो आज मेरे पास कोई भी नहीं है। तो आज मुझे टैक्सी से जाना पड़ेगा, और टैक्सी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत पैसे चार्ज करता है। इसलिए ओके गाइस, अब ब्लॉग में बनी रहिए। लेट्स गो। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे हैं, और 1 घंटे में मुझे रेडी भी होना है, नहाना भी है, ब्रश भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, सब कुछ करना है। Hey, तो मैं अपने टाइम से बहुत ज़्यादा ही आगे चली गई हूँ। पीछे होना ही सही है, बट आगे होना सही नहीं है। तो मेरी जो टैक्सी है वो जहाँ पे आने वाली है वहाँ मैं पिकअप पॉइंट पे जा रही हूँ। और यस, मैं ब्रेकफास्ट का शूट नहीं कर पाई। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। नेचुरल ब्यूटी। तो मैं नहीं कर पाई, ये भी देखें। मैं दिखाते दिखाते तो मेरे हाथ थक जाएंगे, बट यहाँ पे फ्लावर्स नहीं ख़त्म होंगे। सी, तो मैं क्या कह रही थी, तो मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट शूट करूँगी, लेकिन ब्रेकफास्ट शूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। बट मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या खाया है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी खाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे मैगी के लिए इसलिए बोला, मैंने आज पहला ऐसा दिन था जब मैं जॉब पे जा रही थी और मैंने मैगी खाई थी। जनरली मैं मैगी नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें मैदा होता है ना, सुबह सुबह मैदा इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। तो ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मैगी तो अच्छी चीज़ है, बट इज़ जस्ट दैट कि वो मैदा है, और मैदा आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे इतने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं ना, कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो मैं आपको सीधे वहीं मिलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ और बात भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है इसमें मेरा टाइम ज़्यादा किल हो रहा है ना। तो चलते हैं सीधे वहीं पिकअप पॉइंट। हाँ, देखिए मैं कहाँ वेट कर रही हूँ। मैकडॉनल्ड आपको ऊपर दिख सकता है, मेरा पिकअप पॉइंट यही था, तो इसलिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। और उसे आने में, ड्राइवर को आने में 5 मिनट लगेंगे। तो मुझे इधर उधर तो क्या, मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। और चलिए वेट करते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ, और अब साइड जाने के लिए सोच रही हूँ। सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हो सेम एनवायरनमेंट, सेम है ना। वैसे उबर ड्राइवर ने मुझे काफ़ी, मुझे लगा था कि मैं लेट पहुंचूंगी, लेकिन मैं लेट नहीं पहुंची। Hey guys, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बना रही हूँ,
जो आपको भी हेल्प करेगा शायद। तो हम हमेशा से मॉर्निंग में हम लॉस्ट हो जाते हैं कि क्या बनाएं क्या बनाएं, जो कि हेल्दी भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी नहीं, बस आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने आज का जो मेन्यू रखा है ब्रेकफास्ट के लिए वो है लेफ्ट ओवर रोटी, जो रात का, रात में जो हम रोटी बनाते हैं ना तो कभी कभी ज़्यादा बन जाता है, तो उस लेफ्ट, और हम सुबह में उठते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता हम क्या बनाएं क्या बनाएं, तो उस लेफ़्ट ओवर रोटी, वो जो रात का बचा हुआ जो रोटी है ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। तो मैंने तो जो किया है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा अनियन लिया था, उसको मैंने बहुत बारीक बारीक से काटा है, आप इससे भी ज़्यादा बारीक काट सकते हो। ये मैंने कैबेज लिया है, ये भी मैंने बारीक बारीक काटा है। ये मैंने सिलेंड्रो, ये धनिया लिया है, ये चिली लिया है और ये बेसन है। तो आप इस बेसन में, हम ये सारा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ओके तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने बेसन में डाल दिए। बेसन नीचे है, ये मैंने सिलेंड्रो कह रही हूँ, ये मैंने कैरम से दिए, अजवाइन है, अजवाइन लिया है, देखो आप देख सकते हो कि मैंने कितना क्वांटिटी लिया है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए और ये गरम मसाला आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा डालेंगे। ओके, ये मैंने वैसे चिली डाल दिया है, बट ये कलर लाने के लिए मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ओह शिट, दैट्स ओके, इतना भी नहीं गिरा है। ओके, तो अब ये मैंने चाट मसाला लिया है, इसमें मैं चाट मसाला भी डालना है। चाट मसाला आप चाहोगे ना तो आप उसको जब बन जाएगा उसके ऊपर भी आप डाल के खा सकते हो। और इसको ना, जो मैं बना रही हूँ इसको, अगर आपके पास केचप है, क्योंकि मैं तो, मुझे केचप के साथ अच्छा लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको केचप के साथ ही खाओ। और ये सॉल्ट है आप देख सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। चम्मच लिया है कि बस मेरा जो मिक्सर है ना वो उसमें बस कट जाए और मेरे रोटी के साथ चिपक जाए। आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इसी समय पता चलेगा। तो मैंने पहले से 2 चम्मच लिया था, मुझे लगता है कि मैंने जो कैबेज है ना, कैबेज मैंने ज़्यादा, लेकिन अब ये होता है ना, क्या बोलूँ मैं, कि मेरे हस्बैंड भी हैं अभी अभी घर पे ही हैं, वो ऐसे जनरली तो मैं उनको ब्रेकफास्ट बना के यही दे देती हूँ, मॉर्निंग में वो खाते भी चले जाते हैं, बट वो अभी घर पे है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज घर पे है तो आज घर पे भी बना देती हूँ, क्या दिक्कत है ना, हर रोज़ तो बाहर जा रही हूँ, बस आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप जब पकौड़े बनाते होगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चिपकना चाहिए, जितने भी बेसन में ना, बेसन में ये जितने भी सब्जी है, सब्जी में कि वही कैप्सिकम डाला है, बेसन में जो प्याज है, मिर्च है, मैं आपको मिक्सचर का लुक दिखा देती हूँ कि वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेसन के साथ मिक्स करने के बाद वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अब बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो मैंने ये रोटी ली है आप देख सकते हो, और इस
मिक्सचर बनाया, तो मैंने ये रोटी ली थी, इसके ऊपर मैंने जो मिक्सचर बनाया था वो स्प्रेड किया है, आप देख सकते हो चारों तरफ स्प्रेड किया है। और अब मैं पैन में, मेरा पैन हीट हो चुका है और उसमें मैं ऑयल डालूंगी। अगर आपको ऑयल नहीं चाहिए, आपको घी पसंद है तो आप घी भी डाल सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है। ये देखें, ऑयल डाल के इसको मैं चारों तरफ से स्प्रेड करूंगी। आई थिंक ये ऑयल इतना इनफ है या नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। ऑयल कम ही खाना चाहिए, है ना। वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बट स्टिल कोई भी ऑयल तो ऑयल ही होता है ना, तो आपके स्टमक में जाता है। ठीक है, तो अब मैं, आप मेरी रोटी को देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर चारों तरफ से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब मैं 5 सेकंड तक रुकती हूँ, उसके बाद इसको हम, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको उसके ऊपर रखा है, तवे के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक छोड़ेंगे, उसके बाद फ्लिप करेंगे दूसरी साइड। ओके, तो अब इसका फ्लिप करने का टाइम आ गया है। ये आप देख सकते हो, सॉरी, ये आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। और दूसरी साइड से भी इसको, शिट, दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर तक हीट देंगे, उसके बाद ये दिस इज़ रेडी टू ईट। और आप इसके ऊपर केचप डाल के, जो भी केचप आपको अच्छा लगता है वो केचप डाल के आप खा सकते हो। आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से टर्न किया है, आप भी उसको उस तरीके से टर्न करना, और खाते समय आप तब यूज़ करना है केचप। अभी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट दैट मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, मैं बाद में करूँगी, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो जब हम खाएंगे तब इसमें केचप डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों साइड से आप इसको इस तरीके से इसको दोनों साइड से हीट दे के इस तरीके से ही रेडी करना है इसको। अब मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि ये रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट रेडी है टमाटो केचप के साथ। अभी मैं आपको खाकर बताऊंगी कि कैसा बना है, मैं अपने हस्बैंड से भी पूछूंगी और आपके सामने ही पूछूंगी कैसा बना है। इट्स नाइस, इट्स एक्चुअली यूनिक, आई हैवंट ट्राइड दिस बिफोर। तुम्हारे ऑफिस में तुम जब मैंने तुम्हें बनाकर दिया था, जब तो तुम लेके गए थे, तुम पूरा फिनिश नहीं कर पाए थे, तो तुम वहाँ जाके जब तुमने ब्रेकफास्ट में, जब तुम्हें ब्रेक मिला, जब तुमने खाया, फिर जो स्मेल आया लोगों को, लोगों ने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट स्मेल्स सो नाइस, सो दिस इज गुड, आप ट्राई करो, यू विल लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कैसी बेजान सी लग रही है ना। ओके गाइस, तो मैं अब अपने जॉब पे आ गई हूँ, और क्या बोलूँ मैं मैं हाँ क्या बोलूँ मैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैंने अपनी चीज़ें शेयर की हैं आपसे, मैंने अपने फ्रेंड्स के सजेशंस भी लिए थे,
और उसके सजेशंस पे मैं काम भी कर रही हूँ, लाइक मैं ब्लॉग्स जो, क्योंकि अभी कहीं जाना हो नहीं रहा और मुझे ब्लॉग्स बनाने हैं, तो मैं आप सबसे जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में लेफ्ट ओवर रोटी जो थी ना, उसके साथ मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, आप देख सकते हो। और जब भी आपको टाइम मिले ना, आप प्लीज़, मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप बनाना और मुझे बताना कि कैसा बना है, आप मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यस, ये ट्रू है, मैं ये कह भी रही हूँ और मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे ब्लॉग्स को कोई देख नहीं रहा, बहुत ही कम व्यूज़ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम व्यूज़। डे वन से ही कुछ ऐसा ही है, आज पहली बार ये नहीं हुआ है, तो ठीक है। ये कितने क्यूट से टेडी बेयर्स हैं, टेडी बेयर्स नहीं, इसको सॉफ्ट टॉयज बोलते हैं ना। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग्स को फिनिश करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप अपने कीमती समय निकाल कर आप मेरे ब्लॉग्स को देखोगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, है ना। हर कोई चाहता है कि, डॉक्टर भी चाहता है कि वो जो दवा दे अपने पेशेंट को, वो दवा असरदार होना चाहिए। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में ना, मेरे आपको राइट में लोग दिख रहे होंगे, ये सारे बुढ़े लोग हैं, ओल्ड, मैं बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट मैं इंग्लिश में नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि वो भी समझ जाते। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो वहाँ पे जितने भी दादाजी और दादी जी टाइप के लोग हैं ना, सभी लोग वहाँ आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कॉफ़ी चाय जो भी है सभी पीते हैं, क्योंकि मैंने आज तक वहाँ पे यंगस्टर को नहीं देखा है, सभी उसी एज के लोगों को देखा है। तो अच्छा लगता है ना, उनमें यूनिटी है, उनको पता है कि ये उन्होंने ही उस जगह को बिल्कुल अपने हाथ में कब्ज़ा कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग्स को फिनिश करती हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आके मेरे अपने कीमती समय को मुझे दिया है और मेरे मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को देखा है, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।